हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पिंक इस मेकअप लुक के साथ लेकर के आई हूँ पार्ट टू वीडियो, जिसमें कि मैं लगाने वाली हूँ पिंक कलर का नेल पेंट, जो कि है बिल्कुल रोज़ पेटल की तरह। और आज फ्रेंड्स मैंने वियर किया हुआ पिंक कलर का साड़ी, और आज पिंक इस मेकअप लुक मैंने किया था उसका ये पार्ट टू वीडियो है, जिसमें कि मैंने तो अपना सारा नेल्स भी ट्रिम कर लिया है। सारा नेल्स छोटा छोटा हो गया है, देख लो आप लोग, लॉन्ग नेल्स ख़त्म। और अब मैं करने वाली हूँ शॉर्ट नेल्स में नेल पेंट अप्लाई, और जो नेल पेंट लगाने वाली हूँ वो है नायका का, और ये है नायका का नेल पेंट। इसमें इसका नंबर, प्राइस, सारा कुछ दिया हुआ है, कौन सा सेड है वो भी दिया हुआ है। ये देखो मेरी छोटे छोटे क्यूट से नेल्स, वो वैसे ये ना रेड रेड टाइप से दिख रहे हैं, क्योंकि ना आलता लगाने से नाखून लाल लाल हो गया है। इसका नंबर दिया हुआ है 270। इसके पीछे में लिखा हुआ है कैसे इसको यूज़ करना है, और नीचे में MFG दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट दिया हुआ है। इसका सेड है रोजेज ओनली 270। इसका प्राइस है 191 रुपीज़। इस नेल पिन का प्राइस 191 रुपीज़ है। और फ्रेंड्स मैं अपना एंकलेट चेंज कर लूँगी, मैं यही एंकलेट नहीं वेयर करूँगी। वैसे ये सिल्वर का एंकलेट है, बट मैं वेयर करूँगी गोल्डन एंकलेट लास्ट में, अभी नहीं। अभी मैं सबसे पहले नेल पेंट अप्लाई कर लेती हूँ अपने छोटे छोटे नेल्स में, उसके बाद मैं चेंज कर लूँगी अपना एंकलेट, घुंघरू वाला एंकलेट। और आज मैंने कोई भी उतना ख़ास श्रृंगार नहीं किया है, मैंने ना इयररिंग्स पहने हैं ना गला में कुछ पहना है, क्योंकि था गर्मी बहुत ही ज़्यादा और मैं हो गई थी बहुत ही परेशान गर्मी से, क्योंकि एक तो साड़ी था भारी और बाल था मेरा खुला, और मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नेकलेस ये सब वियर नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं परेशान हो गई थी, मुझे वीडियोस भी बनाने नहीं मन कर रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, गर्मी से कुछ भी मन नहीं करता है, और ऊपर से लाइट नहीं रहेगा तो और दिक्कत, तो पसीने पसीने हो जाओ, और धूप बहुत ही ज़्यादा था, और मैं वीडियो बना रही थी दिन में, क्योंकि मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ नेचुरल लाइट में, और यदि मौसम ख़राब होता है तो मैं वीडियोस बनाती ही नहीं हूँ, या फिर नाइट में कभी वीडियोस नहीं बनाती। मैं जब भी बनाती हूँ वीडियो तो नेचुरल लाइट में दोपहर के टाइम में बनाती हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में धूप अच्छा आता है, बट अभी गर्मी का दिन है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, नायका का नेल पेंट। ये मेरी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया था, बहुत सारा नेल पेंट, बहुत कुछ यूज़ करने वाला सामान मुझे मिला था गिफ्ट में, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नायका का नेल पेंट। एक्सपेंसिव है बट अच्छा है। वैसे तो मैंने ये नेल पेंट लगाया तो हर किसी ने मेरा तारीफ़ किया नेल पेंट का, नेल पेंट का कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, सभी ने तारीफ़ किया मेरे नेल पेंट कलर का, नेल पेंट का मेरे नेल्स में अच्छा लग रहा था, सभी ने बोला अच्छा किया आपने ट्रिम कर लिया अपने लॉन्ग नेल्स, क्योंकि काफ़ी बढ़ गया था, हाथों का भी नेल्स बढ़ गया है, हाथों में भी मैंने नेल पेंट अप्लाई कर लिया है। देखो डबल कोट लगाऊंगी, एक कोट में उतना अच्छा फिनिशिंग कलर नहीं आता, डबल कोट लगाने से ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो अभी लगाऊंगी मैं डबल कोट। अभी भी प्यारा लग रहा है मेरा नेल पेंट, बट जब डबल कोट लगा लेती हूँ तो और भी अच्छा लगने लगता है। अभी मेरे पैरों में यही है, वैसे कैमरा में उतना अच्छे से पता नहीं चलता जितना कि रियल में अच्छा लगता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जितना अच्छा आप रियल में लगते हैं उतना अच्छा आपके कैमरा फ़ोन में नहीं आता है, सेम मेरे साथ ऐसा ही है। मुझे वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, गर्मी से मैं परेशान हो गई थी, लग रहा था नेल पेंट लगाते लगाते मेरे हाथों से ही छूट गया, मेरे पैरों में भी लग गया, क्योंकि मेरा मूड ना ऑलरेडी ख़राब था, और जब मूड ख़राब रहता ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता ही है।
मेकअप भी की हूँ ना, तो बहुत मुश्किल से इतना गर्मी में। मैं पिंक कलर का नेल पेंट आज इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने वियर किया था पिंक कलर का साड़ी और मैंने किया था थोड़ा पिंकिश मेकअप लुक, थोड़ा मेकअप हैक के साथ। और आज मैं ब्लश भी लगाई हूँ पिंक कलर के लिपस्टिक से ही, और लिपस्टिक भी लगाई हूँ पिंक कलर का, नेल पेंट भी लगा रही हूँ पिंक कलर का, साड़ी भी वियर किया है मैंने पिंक पिंक कलर का। अभी पता है छोटा छोटा नेल्स में ना नेल पेंट बहुत जल्दी लग जा रहा है। लंबा लंबा नेल्स में थोड़ा सा नेल पेंट लगाने में प्रॉब्लम होता था और बहुत टाइम भी लग जाता था, बट छोटा छोटा नेल्स में नेल पेंट लगाओ तो एकदम फटाफट से लग जा रहा है तुरंत तुरंत। ये देखो नेल पेंट लग गया, डबल कोट एक बार फिर से लगा लूँगी, थोड़ा सा ये सूख जाएगा ना तो फिर लगा लूँगी, हाथों वाला शायद लगभग सूख ही गया है। देखो मेरे ख़तरनाक से नेल्स, डर भी लगता है बहुतों को। पैरों में भी तो ऐसे ही बढ़ गया था, बट वो तो छोटा कर लिए हम, मुझे भी लग रहा था कुछ थोड़ा सा डर जैसा, कहीं टूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। छोटा जो रहता है ना तो उसका केयर भी अच्छे से हो पाता है, लंबा का केयर भी अच्छे से नहीं हो पाता है और केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये एंकलेट में आप लोग देख लो, फिर मैं चेंज कर लूँगी एंकलेट भी, फिर फुटवियर पहनूँगी इस साड़ी के साथ, जो फुटवियर सूट करेगा वो फुटवियर पहनूँगी और चल करके भी दिखाऊँगी आप सभी को। हाथों वाला नेल्स भी कट कर लूँगी कुछ दिनों में। पहली बार ये नेल पेंट जब मैं लगाई ना तो हर किसी ने तारीफ किया, हर किसी ने, मतलब ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स को तो वैसे सारा ही पसंद ही आता है। वैसे रिक्वेस्ट भी आ रहा था पिंक कलर का नेल पेंट लगाने के लिए तो, और सब्सक्राइबर ने भी गिफ्ट किया था तो लगाना तो था ही मुझे। और ये है मेरा गोल्डन पायल, ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे दिया है। और सॉरी, और ये वाला पायल मैं इसलिए पहन रही हूँ ना क्योंकि इसमें गोल्डन घुंघरू है, गोल्डन कलर का घुंघरू है और साड़ी में भी गोल्डन वर्क किया हुआ है, तो इसलिए मैं ये गोल्डन पायल पहन ली हूँ। बीच में स्टोन दिया हुआ है सिल्वर कलर का और घुंघरू जो है वो है गोल्डन कलर का। बिछिया मैं चेंज नहीं कर रही क्योंकि सिल्वर का बिछिया बहुत मुश्किल से मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया है, वही गिफ्ट में दी है मुझे ये बिछिया, तो बहुत प्रॉब्लम होता है इसको खोलने में निकालने में, इसलिए हमेशा मेरे पैर में वही है, वही रहेगा, उसका स्थान चेंज नहीं होगा जब तक टूटेगा नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी का दिया हुआ ये गिफ्ट है ये बिछिया, सिल्वर बिछिया। यहाँ पर मैं डबल कोट लगा ले रही हूँ नेल पेंट, और इस नेल पेंट का मतलब ये खास बात है ना कि जल्दी सूखता नहीं है, आप यदि डबल कोट लगाओगे ना, सिंगल कोट भी लगाओगे डबल कोट भी लगाओगे, ये जल्दी सूखता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको सुखाने में, कितना भी धूप रहे ना फिर भी इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ काम भी करना है तो थोड़ा इधर उधर ख़राब हो ही जाता है। ये थिक है नेल पेंट, कुछ नेल पेंट होता है जो थिन होता है, बट ये वाला नेल पेंट ना थिक है, काफ़ी ज़्यादा थिक है ये नेल पेंट। मैंने नोटिस किया है थिक नेल पेंट है, जल्दी सूखता नहीं है, विंटर के सीज़न में तो कहना ही नहीं है, जब समर में नहीं सूख रहा है तो विंटर में कहाँ से सूखेगा जल्दी। डबल कोट तो मैंने नेल पेंट लगा लिया है, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको लेना हो वो ये नेल पेंट ले सकते हैं। प्राइस मैंने बता दिया 191 रुपीज़, डिस्काउंट भी चलेगा तो आप डिस्काउंट की टाइम भी ले सकते हो। और नायका का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, मैं नायका से सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स
खरीदती हूँ सारे, कोई भी लोकल ब्रांड से मैं कुछ नहीं खरीदती हूँ। जैसा मैंने किया मेकअप लुक वैसा ही मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग नेल पेंट भी अप्लाई किया। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा। और मैं गोल्डन कलर का फुटवेयर पहन रही हूँ क्योंकि साड़ी में वर्क किया हुआ है गोल्डन कलर का, मतलब ये तो मैचिंग कर ही रहा है। बहुत दिक्कत होता है इस टाइप के फुटवेयर्स पहनने में। ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है सब कुछ मेरे सब्सक्राइबर ही देते हैं ये बाटा का फुटवेयर है, बहुत अच्छा है। इसका प्राइस भी लगभग 1000 के लगभग था। नेल पेंट मेरा ख़राब भी मतलब नहीं हो, इसलिए बहुत दिक्कत से मैं ये फुटवेयर पहनी हूँ कि ना मेरा पैर का नेल पेंट ख़राब हो ना मेरे हाथ का नेल पेंट ख़राब हो, इसलिए पहनने में थोड़ा टाइम लग गया। बहुत प्रॉब्लम के साथ मैं फुटवेयर भी पहनी हूँ क्योंकि नेल पेंट थिक है जैसा कि मैंने बताया, और थिक है नेल पेंट तो जल्दी सूखता नहीं है, वैसे फुटवेयर भी पहनना और ये सोचना कि छूटे भी नहीं तो थोड़ा मुश्किल है ना। पिंक साड़ी के साथ काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये एंकलेट और फुटवेयर भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना रियल में अच्छा लगता है उतना कैमरे में अच्छा नहीं आता। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं आलता डिज़ाइन का, पिंक साड़ी के साथ आलता डिज़ाइन भी तो लगेगा ना, पिंक नेल पेंट पिंक साड़ी, तो उसके साथ आलता भी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जो लोग आलता पसंद करते हैं, ठीक है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, बाय बाय।